हेलो एवरी वन वेलकम टू दू आई सीज एंड वेलकम टू आर चैनल इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट और कवर वट वीकली एनवायरमेंट टॉपिक्स राइट सो वीकली जो भी एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हुए हैं दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस राइट कुछ टॉपिक्स जो है हमने न्यूज एनालिसिस में कवर कर लिए थे सो दैट ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा रिविजन हो जाएगा ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड यस कहाँ से मैम कौन कौन सी डेट से कौन सी सो दैट इज द थर्ड ऑफ जुलाई टू दैट ऑफ द एट्थ ऑफ जुलाई इस टाइम पीरियड का जो है आपको जो भी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स थे सो so सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं ओके ओ फाइन सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा पहला टॉपिक है इसमें दिखाया है ड्रॉन्गो स्पॉटेड एट हस्तिनापुर सो हस्तिनापुरी जो है हस्तिनापुर अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है एंड वहाँ पे क्या है वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी सो इस वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में वी हैव फाउंड बर्ड बेसिकली रिसेंटली ग्रेटर राकेट टेल्ड ड्रोंगो बर्ड वॉज़ फाउंड इन देंचुरी इस सैंचुरी में ये हमको जो है मिला है एंड ये बेसिकली इतना इंटरेस्टिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसका uh, इसका आइडेंटिफिकेशन एक तो इसका कलर आप देख सकते हैं किस तरीके का ये बर्ड है अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ क्वाइट फेमस इट इज़ क्वाइट नोन फॉर इट्स यूनिक म्यूजिकल विसलिंग साउंड Sound ये जिस तरीके से निकालती है ना ये बर्ड उसके लिए काफ़ी ज्यादा जानी जाती है दिस बर्ड ओके दिस एंड वट इज द नेम नाम याद रखिएगा रैकेट टेल्ड ड्रोंगो बर्ड सो so वही यहाँ पे ड्रोंगो लिखा हुआ था ड्रोंगो बर्ड राइट right? अब यहाँ पे हम देखते हैं हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड एंड उसके बाद हम जो ये ड्रोंगो बर्ड है उससे रिलेटेड देखेंगे इंफॉर्मेशन राइट सो हस्तिनापुर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हस्तिनापुर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कहाँ इट इज इट इज देयर इन दी उत्तर प्रदेश ओके इन दी उत्तर प्रदेश ये कहाँ पर है गंगा रिवर के नॉर्दर्न टिप गंगा रिवर जो फ्लो होकर के आती है तो उसके नॉर्दर्न पार्ट में है मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास ये हस्तिनापुर आती है ठीक है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें जो है ये काफ़ी सारे वेरियस काइंड ऑफ इसमें लैंडफॉर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगी एंड हैबिटेट्स आल्सो जैसे कि वेटलैंड मार्शेस ड्राई सैंड बेड्स एंड स्लोपिंग सो ऑल काइंड ऑफ एंड यू कैन फाइंड इट ओवर देयर इन रेवरिन हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोना कैसे कैसे इसमें मिलेंगे आपको सॉम्प डियर लेपर्ड वाइल्ड कैट्स वाइल्ड ऑटो पाइथन एंड बहुत सारे दूसरे भी जो हैं फोना आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी इसके अलावा जो है गंगा रिवर में हस्तिनापुर के पास ही ठीक है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेबी क्रोकोडाइल्स जो जो है है उसको भी रिसेंटली इसमें भेजे गए गए थे थे गंगा रिवर में जो है, वो डाले क्यों बिकॉज दे वॉन्ट टू इंक्रीज नंबर ऑफ द क्रोकोडाइल ओके सारे ही एनिमल सारे ही इंसेक्ट्स अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं हमारे एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से तो हमको हर किसी को जो है बचा करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके सो टोटल रिहेबिलेट दिस टोटल रिहेबलीटेशन प्रोग्राम जो है इसको मैनेज कौन करती है डब्ल्यू ये डब्ल्यू क्या है ज़रा बताइए कमेंट सेक्शन में ओके सो ये भी जो है इसी सेंचुरी के पास में ही इस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है इसको भी किया जा रहा है राइट आज के जो हमारा न्यूज़ है इन दैट वी विल बी कवरिंग दिस टर्टल रिहेबलीटेशन प्रोग्राम आज का जो एनालिसिस हुआ है उस एनालिसिस में ये चीज कवर मतलब द हिंदू में ये चीज आई हुई है दैट द टर्टल एक मतलब एक पंथ दो काज वाला सीन यहाँ पर हो रहा है कि हमको टर्टल्स को रिहैबिलिटेट भी करना है और गंगा की सफाई भी करनी है ओके okay, तो टर्टल को हम जब वो वाटर में मतलब वाटर में छोड़ रहे हैं तो ये टर्टल हमारे लिए दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत, बहुत ही अच्छी हो जा रहे हैं क्योंकि हमने गंगा की सफाई भी करनी है एंड प्लस टर्टल का जो नंबर है वो भी इंक्रीज करना है तो इनको जो है हम उसमें पानी में डाल दे रहे हैं एंड वट एवर दीज द डेड बॉडीज जो उसमें फ्लोट कर रही होती हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्लावर्स जो हैं लोग प्रवाहित करते हैं उसमें तो उन सारी चीज़ों को जो है ये फिनिश ऑफ कर देती हैं खा जाती हैं इस वजह से ठीक है तो ये हमारा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है ये भी काम कर जा रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गंगा के क्लीन का जो पर्पज है वो भी हो जा रहे हैं तो दोनों काम हो जा रहा है ठीक है पार्ट ऑफ एशिया फ्लाई वे प्रोजेक्ट अट्रैक्टिंग न्यूमरस माइग्रेटिंग बर्ड्स इन दी वाटर बॉडीज तो हस्तिनापुर जो है वो हस ये जो वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है ए एशिया फ्लाई वे प्रोजेक्ट का पार्ट है जहाँ पर कि बहुत सारी माइग्रेटि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो वहाँ पर आती हैं ओके okay? तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाती है अब ये बर्ड के बारे में हम थोड़ा जान जाते हैं, क्योंकि इस बर्ड को देखे हैं और ये लोग इतना खुश हो जा रहे हैं। तो ये क्या बात है इसमें ठीक है तो ये जो बर्ड है मीडियम साइज एशियन बर्ड है विध एलोंगेटेड टेल फेदर्स है इसमें जो है इनका जो टेल है ठीक है, आउटर टेल है जो कि थोड़ा सा वेब टाइप का यहाँ पे जो है टेल इसकी जो पूछ है वैसा कुछ structure देती है. Diurnal and active before dawn and at dusk. Diurnal है, दिन रात दोनों का, हिस का काम चल रहा है एंड एक्टिव कब होती है डॉन के टाइम में डस्क के टाइम में दोनों में ये active रहती है. उस टाइम जो है डिफरेंट टाइप की बात है insects की दिखते होंगे नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ लाउड कॉल्स ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इमिटेशन्स ऑफ अदर बर्ड स्पीशीज़ ऑल्सो तो इसकी दो खासियत हो गई ठीक है इसकी जो बहुत इसके नेचर की जो खासियत क्या हो गई एक तो ये है कि लाउड कॉल्स बोलती है जोर से जो है वो बोलती है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे बर्ड्स हैं उनको इमिटेट भी करती है इज एंड इट लाइक कोयल कोयल को हम क्या कहते हैं कू करती है तो वो भी वहाँ से कू रिपीट करती है है ना <laughs> तो वैसा ही कुछ नहीं है बट ये दूसरे बर्ड्स को इमिटेट करती हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो ये वेस्टर्न घाट से लेकर के आपको ईस्टर्न हिमालय जो है वहां तक मिलेंगी हिस्टर हिमालय दिस मिशमी हिल्स पेनिनसुलर इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स तो आपको ये सारी ही जगहों पे ये जो बर्ड है ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो बर्ड जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ड्रोंगो बर्ड है इसको least concern की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में यू कैन फाइंड इट है ना आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी खासी मात्रा में जो है ये मिल रही है नेक्स्ट आता है सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द फाउंड डेड इन सोहागी न्यूज में क्या था ये कि आ, लेपर्ड जो है हमको यहाँ पर डेड मिला है सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में उत्तर प्रदेश महाराजगंज में हमको ये डेड मिला है तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न वाला चीज़ है क्योंकि ऑलरेडी इनके जो नंबर्स हैं ये बहुत ही कम है तो नंबर्स इतने कम हैं और उसके बाद जो है इनकी डेथ होने लगे तो ओबियस ही बात है कि ऐसा ना हो कि ये खो ना जाए ये तारे जमीन पर है ना

ठीक है so, अब ये ये जो है है, पे आप देख सकते हैं कि ठीक तो नेपाल में ये अपना बॉर्डर शेयर कर रही है राइट उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हो कि इट इज देयर इन दी बिहार बिहार में भी जो है इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है राइट सो so, ये यहाँ पे दो एरियाज जो हैं आप देख सकते हो सो इट इज एन उत्तर प्रदेश एंड आपको जो बॉर्डर्स जो है वो बिहार एंड एज वेल एज दैट ऑफ शेयर हो रहा है ठीक है बिहार में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वहां पर इसकी बॉर्डर जो है वो शेयर होती है एंड इट शेयर्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विद दैट ऑफ द नेपाल ठीक है कौन से डिस्ट्रिक्ट में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नहीं है यह वाल्मीकि में रखिएगा इसको सिस्टम कौन से रिवर है यहाँ पर तो ग्रेट गंडक लिटिल गंडक प्यास एंड रोहिन ठीक है तो ये रिवर्स हैं जो कि इसके थ्रू होकर के जाती हैं टोपोग्राफी कैसी है इसकी कैसा एरिया है तो ये जो है ऑलमोस्ट फ्लैट है आज यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट विद एन एवरेज हाइट ऑफ हंड्रेड मीटर्स ठीक है हाइट कितनी है इसकी दैट ऑफ दंड्रेड मीटर्स अबव सी लेवल ठीक है सी लेवल के हिसाब से अगर इनको कंपेयर करें तो हंड्रेड मीटर ही जाती है एंड इसको वैसे तो फ्लैट है लेकिन ये नॉर्थ वेस्ट की जहाँ पे पॉइंट आती है तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा स्लोपी हो जाता है सॉरी नॉर्थ वेस्ट से जो है ये साउथ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा स्लोपी हो जाता है ठीक है नॉर्थ ईस्ट से साउथ की तरफ ये स्लोपी हो जाता है ये इतना हमको डिटेल में जानना का जरूरी नहीं है रिवर्स जो है वो ध्यान में रखिएगा कब डिक्लेयर किया गया था नाम ये ध्यान में रखिएगा एंड दिस ऑल्सो ओके दीज आर इम्पॉर्टेंट ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अब यहाँ पर जो वेजिटेशन है आपको वो कैसा है यहाँ पे कौन सी है जामुन यू कैन गेट गुटल सेमल खैर ट्रीज इस टाइप की ट्रीज जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी एंड यहाँ पर जो ट्रीज हैं 75 परसेंट कौन सी है दैट इज दी साल फॉरेस्ट आप इसको एक तरीके से कह सकते हो ओके okay? तो पचहत्तर प्रतिशत सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर क्या है साल फॉरेस्ट है दिस इज दिन ना तो लोअर रीजन कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड इसका जो लोअर एरिया है वो क्या है वहां पर ग्रास लैंड है एंड पैचे ऑफ केन फॉरेस्ट दैट बिकम वॉटर लॉकड ड्यूरिंग द रेनी सीजन ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या मिल जा रहा है ग्रास लैंड है केन फॉरेस्ट है बट लेकिन यथ जब बारिश होती है ऑब्वियस सी बात है कि ये रीजन में अच्छी खासी बारिश होती है तो जब बारिश होती है तो क्या सीन हो जाता है बारिश का पानी जो है वो वहां पे वॉटर लॉग हो जाता है जैसे कि दिल्ली में हो रखा है राइट नाउ दी फोना फोना अब यहाँ पे आपको डाइवर्स टाइप ऑफ एनिमल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे जैसे लेपर्ड टाइगर जंगल कैट स्मॉल इंडियन सेवेट लंगूर, डियर ब्लू बुल वाइल्ड बोर पॉक्यूपाइन इस टाइप के जो एनिमल्स हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे ठीक है इसके अलावा जो है आपको दिस कॉर्मोरैन स्नेक बर्ड दिस ब्राह्मिनी डी लिटिल एगरेट कैटल एगरेट पैडी बर्ड इस टाइप की बहुत सारी जो है एवी फोन दट इज द बर्ड यू कैन फाइंड इट ओवर हियर राइट तो यहाँ पे ये सारे जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक ये हम लोगों ने जो है न्यूज एनालिसिस जब किए थे तो उसमें मैंने इसको बहुत ही एलैबोरेट तरीके से सारा कवर कर दी थी बट आई एम डूइंग इट ऑल ओवर अगेन ठीक है इसमें क्या है कश्मीर मशरूम क्लाइमेट चेंज की वजह से कश्मीर का जो मशरूम है जिसको कि गुच्ची मशरूम कहते हैं उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है एंड जो उसको पिक करते हैं बिकॉज दिस इज द वाइल्ड ओन आप जो है इसका एरिया प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो ओके okay? कि आज इस जगह पे मिला है ठीक है तो अगले साल भी इसी जगह पे मिलेगा वो दूसरी जगह पे भी हो सकता है राइट सो दिस इज द रीजन वो वैसे ही बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल था अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है फॉर पीपल हु आर द हंटर्स ऑफ दिस दिस मशरूम ओके इज क्वाइट चलो सो so, इसकी इम्पैक्ट यहाँ पे अभी गुच्ची मशरूम जो है इसके बारे में देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो गया एक तो यहाँ पे क्या सीन है ये जो वेदर पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं ओके अनप्रेडिक्टेबल हैं तो कभी भी कुछ भी हो रहा है बारिश के टाइम जब गर्मी थी तो ढेर सारी बारिश हो रही थी ठीक है ट्रांजिशन पीरियड में थे जैसे कि प्रोटो हिस्ट्री ट्रांजिशन पीरियड मिजोलिथिक ट्रांजिशन पीरियड तो वैसा ही कुछ जो है आप समझ सकते हो कि गर्मी का टाइम है लेकिन उस टाइम भी बारिश दुनिया भर की हो रही थी और अब जो है बारिश का टाइम जब से एक्चुअली में स्टार्ट होना था तब नहीं हुआ अब जो है रेनी सीजन अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है तो यहाँ पे ये जो अनप्रडिक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई तो है क्लाइमेट चेंज ठीक है तो वेदर पैटर्न्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं इसमें क्या हो रहा है स्प्रिंग्स जो हैं वो जल्दी आ जा रही हैं आप लोग ये भी चीज़ कम ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो सर्दियों का टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है एंड उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं हो रही है जैसे कि पहले होती थी बहुत ठंड होती थी है ना अक्टूबर में से अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता था अच्छा खासा ठंड जैसा कि मुझे याद है स्कूल के टाइम पीरियड में राइट अभी तो हर साल ऐसा पैटर्न रहता है कि कुछ समझ नहीं आता कि अगले साल कैसा रहेगा सिचुएशन खैर तो वही चीज़ें स्प्रिंग जल्दी आ जा रही हैं एवरेज जो टेम्परेचर है वो भी अबव एवरेज टेम्परेचर हो जा रही है जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जा रही है सो उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है गुच्ची मशरूम हंटर्स के लिए ओके okay, अब इससे क्या हो रहा है कि इन सारी चीजों की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इन सारी चीजों की वजह से व्हाट इज हैपनिंग जो ये गुच्ची मशरूम है ठीक है इसकी ग्रोथ और इसकी अवेलेबिलिटी दोनों ही इंपैक्ट हो रही है गुच्ची मशरूम्स की अवेलेबिलिटी कि कहाँ पे मिलेंगे है ना और ये इनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पा रही है तो ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड मेकिंग हंटिंग प्रोसेस मोर ऑफ दी डिफिकल्ट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो क्रिएट हो करके रखी हुई है नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन एंड हैबिटेट ऑफ दी गुच्ची मशरूम अब गुच्ची मशरूम का क्या एक तो पहले हम ये देख लेते हैं कि गुच्छे मशरूम जो है वो बेसिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो रखी है कि हमको स्पेसिफिकली इनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है गुच्छी मशरूम जो है ये काफी ज्यादा रिच है पोटेशियम वाइटमिन कॉपर को लेकर के ठीक है पोटेशियम वाइटमिन एंड कॉपर को लेकर के दे आर गुड सोर्सेस ऑफ वाइटमिन डी एंड वेरियस वाइटमिन डी एंड बी ठीक है वाइटमिन बी एंड वाइटमिन डी दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छे खासे जो हैं ये सोर्सेज हैं मशरूम्स आर ऑल्सो अबंडेंट इन एंटी इसमें क्या है एंटी भी हैं इन मशरूम में तो ऑब्वियस बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं हार्ट डिजीज जिनको है जो पेशेंट्स हैं एंड डायबिटीज़ जो हैं उनको ठीक है तो इन दोनों के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल uh, हो जाती है बिकॉज इसमें एंटी so, जो है वो अच्छी खासी है सो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से गुच्ची मशरूम इतना ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है अब गुच्ची मशरूम जो है इसका डिस्क्रिप्शन और इसके हैबिटेट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं राइट तो ये जो गुच्ची मशरूम है ये मोशिलेसिया फैमिली ऑफ एस्कोमाइकोटा फंगी ठीक है इससे बिलोंग करती हैं एंड इनका जो कलर है दे हैव अ अल येलो कलर विथ लार्ज पिट्स एंड रिजेस येलो कलर की येलोइ टाइप की कलर होती है एंड उसमें पिट्स गड्ढे एंड जो है उस टाइप की चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी उसका जो सरफेस कैप होता है ये जो कैप टाइप रहती है मशरूम है ना आप सभी लोगों ने तो मशरूम देखा ही होगा तो उसी के जैसे रेज लार्ज वाइट स्टेम तो ये स्टेम तो वाइट ही रहती है ये येलोइश कलर की है ठीक है है ये जो है जो कैप उसमें पिट्स एंड वो दोनों ही आपको देखने के लिए मिलेंगे गुच्ची मशरूम जो है इसको आप कमर्शियली ग्रो नहीं कर सकते हो ओके इसका पर्टिकुलर है जहां पर ये आपको मिलेंगे एस सच जो है आप ग्रो नहीं कर सकते हो दे आर टिपिकली फाउंड इन दानिफर फॉरेस्ट अक्रॉस दी टेम्परेट रीजन टेम्परेट रीजन जो है वहां पे आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये देखने के लिए मिलेंगी इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश उत, दिस उत्तरांचल एंड जम्मू कश्मीर के जो फुटहिल्स हिल्स, हिल्स फुट हिल्स वाले एरिया हिल्स दिस इज़ द फुट हिल तो उसके वाले जो एरिया है वहां पर आपको ये गुच्ची मशरूम देखने के लिए मिलेंगी वहां पे ये ग्रो होते हैं ओके पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए किन चीज़ों पे ग्रो होते तो everyone knows, चीजों हैं तो दीज मशरूम्स एवरीवन नोस डिकेइंग चीज़ों के ऊपर होती है जैसे कि डिकेइंग वुड लॉग्स लीव्स या फिर ह्यूमस सोइल इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वहां पे आपको मशरूम की जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलेगी एंड दीज आल्सो ग्रो इन दीज ओनली मशरूम का वही सिचुएशन जो मैंने आपको बताया कि इस सीजन में जहां पर मिला है दिस इज नॉट नेसेसरी कि अगले सीजन में भी वही चीज मिलेगा एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट मेक्स इट्स कलेक्टिंग प्रोसेस कलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है ओके okay? बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है ये चैलेंजिंग हो जाती है यहाँ पे ओके नेक्स्ट कम्स दिस सी एम वी एंड टी ओ एम वी The mosaic viruses that hit tomato crop in Maharashtra and the Karnataka. We have already done this in the news analysis. Okay. तो ये जो है CMV and TOMV क्या है ये CMV क्या है ककुम्बर मूजाइक वायरस, ठीक है? क्या है ये ककुम्बर मूजाइक वायरस. TOMV क्या है ये टमेटो मूजाइक. This is the tomato mosaic virus. ओके कुम्बर मोजाइक वायरस एंड टोमेटो मोजाइक वायरस दिस दिस इज फुल फॉर्म ऑफ दिस ये सीएमवी जो है ये महाराष्ट्र की जो टोमेटो की क्रॉप थी उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट करे हैं टोमेटो मोजाइक वायरस जो है ये कर्नाटका और जो दूसरे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पे जो काफी सारे क्रॉप्स है उनको इम्पैक्ट किया है नाम में टोमेटो दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ टोमेटो को ही ये इम्पैक्ट करेगा नाम में कुकुम्बर दिया तो इसका मतलब नहीं है सिर्फ कुकुम्बर को ही जो है ये इंपैक्ट करेगा आप जैसे देख सकते हो कि टोमेटो की क्रॉप को जो है इसने इम्पेक्ट किया है काफी ज्यादा ठीक है सीएम टी यूएम वी क्या है दीज आर दी प्लांट पैथोजें इंपॉर्टेंट ठीक है क्या है, है, है. ये पैथोजेंस है प्लांट पैथोजेंस है एंड ये बिलोंग करती है डिफरेंट वायरल फैमिलीज से जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डैमेज बेसिकली क्रिएट करती हैं क्रॉप्स को ओके okay. TOMV इज रिलेटेड टू दी टोबैको मोजाइक वायरस TMV TOMV जो है T O M V जो है वो टोबैको मोजाइक वायरस से कि जो फैमिली है मतलब इससे जो है वो रिलेटेड है एंड इट अफेक्ट्स टोमेटो टोबेको पेपर्स एंड सर्टेन अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स तो इन सभी को जो है ये इम्पैक्ट करती है ठीक है इसके अलावा सी एम वी जो है ये काफी इसका काफी वाइड रेंज है काफी अच्छा खासा फैलाव है इसका काफी सारे क्रॉप्स को ये इम्पैक्ट करती है जिसमें कि कोकुम्बर मेलन एग प्लांट कैरट लीटर सेलरी एंड और दूसरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है उन सभी को ये इम्पैक्ट करती है ओके okay. इसका जो इम्पैक्ट है वो पिछले कुछ सालों से हमको काफी ज्यादा देखने के लिए मिला है कि बिकॉज दे आर इम्पैक्टिंग अलॉट ऑफ क्रॉप्स ना अब ये जो वायरसेस है ये बेसिकली फैलती कैसे हैं ओके हाउ डू दे स्प्रेड तो टी जो है इट स्प्रेड्स थ्रू इंफेक्टेड सीड्स क्या ट्यूएम वी ठीक है ट्यूएम कैसे स्प्रेड करती है थ्रू दी सीड्स ओके सीड्स ही इंफेक्टेड हो या तो सीट्स ही खराब हो इन्फेक्टेड मटेरियल ठीक है या फिर सैपलिंग्स खराब हो या फिर जो एग्रीकल्चरल टूल्स है वही इंफेक्टेड हो या फिर जो ह्यूमन टच है अब हमारे हाथ में वेस्ट टाइप के कुछ वायरसेस हैं हमने उसी से जो है लगा दिया उसकी साफ सफाई कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं एंड ऑल ठीक है तो उनको कॉन्टेक्ट में आ गए तो ये वायरस जो है दिस विल बी स्प्रेड ओके दिस विल स्प्रेड सी एम वी कैसी होती है सकिंग इंसेक्ट्स एंड दीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू द्यूमन टच हम लोगों के टच करने से भी हो जाएंगी दो ऑल दो लेस कॉमनलीस कॉमनली दिस थिंग इसके अलावा ऐसे ही नहीं की यही सारी चीजें हो इसके अलावा एक और पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर के कंडीशन हाई टेम्परेचर होना चाहिए एंड इंटरमीडियट रेन ठीक ठाक बारिश हो टेम्परेचर अच्छी खासी हो तो उसमें सीएम वी जो है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है ओके okay? क्या होती है बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होती है तो इसके ऑब्वियस सी कि इसके चांसेस ग्रो करने के फैलने के जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते नाउ द नेक्स्ट इज दी हाउ डू वायरसेस अफेक्ट द क्रॉप अब ये दोनों के दोनों जो हैं इट लीड्स टू क्रॉप लॉसेस एंड नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड बिकॉज इफ अगर आप जो है इन वायरसेस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हो पहले से केयर नहीं करते हो तो, तो देन वॉट विल हैपन ये क्रॉप जो है वो आपके सारे खराब हो जाएंगे सारे बर्बाद हो जाएंगे मैक्सिमम जो है आपके खराब हो जाएंगे ठीक है अब ये जो सिम्टम्स इसमें क्या देखने के लिए मिलते हैं कि आपके क्रॉप जो है वो खराब हो गए येलोइश एंड डार्क ग्रीन कलर जैसा जो कुछ कुछ एरियाज में देखने के लिए मिलेगा टोमेटो है टोमेटो में आपको कहीं कहीं जो है वो येलोइश येलोइश अजीब अजीब से देखने के लिए मिलेंगे इस टाइप के टोमेटो यू विल यूजुअली सी कि बहुत ही कम प्राइस पे सेल होते हैं क्योंकि वो देखने से ही खराब लग रहे हैं नेवर बाय दीज ठीक है वायरसेस खा रहे हो भाई वाई जस्ट बिकॉज वो कम रेट में मिल रहा है डोंट डू दैट आई अ लॉट मेनी पीपल बाइंग ऑफ टोमेटोज एंड ऑल ओके अवॉइड दिस थिंग ठीक है तो येलोइश एंड डार्क ग्रीन पैचेस जो है इसके एरिया पे देखने को मिलता है लीफ डिस्टॉर्शन होती है ट्विस्टिंग ऑफ यंगर जो है वो ट्विस्ट हो जाते हैं जो कि प्लांट्स नेचर से जो थोड़ा कनेक्टेड होंगे तो ये सारी चीजें जानते होंगे नेक्रोटिक स्पॉट ऑन द फ्रूट ऑल्सो हैपन्स हो सी एम क्या करती है लीव डिस्टॉर्शन होता है इसमें भी पर्टिकुलरली जो टॉप की जो लीव्स होती हैं वो डिस्टॉर्ट होती हैं एंड बॉटम की जो लीव्स होती हैं ये डिस्टॉर्ट होती हैं ये दो हो गई ओके okay. इसके अलावा मोजाइक लाइक पैटर्न्स इन कुकुम्बर्स एंड स्टंटिंग विथ लोअर प्रोडक्शन इन टोमेटोज आल्सो हैपन प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा कम होगी ठीक है कैसे कंट्रोल हो सकता है एज ऑफ नाउ नो क्योर है ही नहीं क्योर ही नहीं है क्या करोगे प्रिवेंट ही कर सकते हो है ना तो टी ओ एम वी जो है टोमेटो मोजाक वायरस इसका कोई भी जो है वो क्योर नहीं है तो बेसिकली आप इसको क्या कर सकते हो इसको फैलने से रोक सकते हो तो कंट्रोलिंग इज द बेस्ट वन सो प्रिवेंशन देर इज नो कियोर देन प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे बेस्ट वे आउट सो इस चीज के लिए हमको क्या करना होगा बायो सेफ्टी। तो सेफ्टी करके रखनी होगी कहाँ पे सेफ्टी मेंटेन करनी होगी? नर्सरीज़ में सीड्स जो है उसको ट्रीट करना होगा मतलब सीड्स इन्फेक्टेड नहीं हो तो उसको पहले से केयर करके रखना होगा इन्फेक्टेड मटीरियल्स जो होंगे क्योंकि टूल्स जो है टूल्स भी इंफेक्टेड हो सकते हैं तो फ्रॉम देअर ऑल्सो इट कैन स्प्रेड तो उन सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है असेंशियल मेजर्स जो हैं वो लेने की जरूरत है यहाँ पे बिफोर दीज स्प्रेड ओके सो दिस इज वॉट यू कैन डू सो द वे सो वट वी कैन डू इज द प्रिवेंशन दिस इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू राइट इसके अलावा वीज एंड प्लांट मटेरियल शुड बी क्लियर ओके okay, वीट जो भी गंदगी है सारी चीजें हैं जो उसको हटा दो है ना आपको खेती जो करने से पहले सारी चीजों को अलाइन करने मतलब सारी चीजें जो है उनको साफ खेत जो है उसको साफ सफाई करना होता है वीट्स निकाल के फेंक दो ठीक है खुदाई उदाई हुई जो भी हुआ अनवीट्स निकाल करके फेंक दो उसको हटा दो करके फिर उसको लैंड को प्रॉपरली मैनेज करके देन फाइनली आपको जो है सो करना है बिफोर फ्रेश प्लांटिंग दिस इज वॉट यू आर यू आर सपोज टू डू एस टी ओ एम वी कैन रिमेन डोमेंट इन दम ओके okay, तो लैंड को आपने अच्छा खासा क्लियर कर दिया सारी चीजें जो है जो भी वीड्स जो थी जो भी प्लांट मटेरियल थे वहां पे उन सभी को हटा दिया ठीक है आराम से जो है आपने इसको प्लो कर दिया ठीक है एंड देन जो है आप नए प्लांट्स जो है वहां पे लगा रहे हो सीएमी को कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा चैलेंजेस चैलेंजेस वाली चीज है क्योंकि सी काफी बड़े होस्ट है इसके काफी बड़े मतलब बहुत सारे होस्ट है बेसिकली so, तो इस चीज को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल काम इसका फैलाव काफी ज्यादा है इंसेक्टिसाइड्स या फिर जो मिनरल ऑयल्स होते हैं उसको स्प्रे करना प्लांट्स पे ये जो है कुछ हद तक These can actually help to control the aphides, the carriers of the CMV. Okay, now monitoring aphid migration and taking preventive measures during the crop planting is the crucial factor over here. So, this was something which was really very important. Now, next comes the kadoro wala saman. Okay. Right. <coughs> क्रोर फाउंड इन डेड वेल हमको जो वेल में है ये चीज मिला है जिसको वॉमिट भी बेसिकली वेल वॉमिट भी कहा जाता है सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अम्बोग्रिस अ रेयर सबस्टेंस वाज़ फाउंड इन द कारकास ऑफ अ स्पर्म वेल वाश्त अप ऑन द शोर ऑफ द लापामा इन द क� यहाँ पे जो है इनको स्पॉम वेल्स क्यों कहते हैं क्योंकि ये स्पॉम के जैसे दिखती हैं तो दिस इज द रीजन वाई जो है इनको स्पॉम वेल्स कहा जाता है इनकी शेप की वजह से ठीक है एम्बोग्रेस के बारे में हम एक बार जान लेते हैं एम्बाग्रेस ये जो है बेसिकली स्टफ बहुत सारी चीजें खाते हैं जेलीफेन और बहुत सारी चीजें तो उनके बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो भी खाए खाएटिक एनिमल्स एंड ऑल तो उनके पार्ट्स जो हैं वो कलेक्ट होते रहते हैं ठीक है जो कि डाइजेस्टेबल नहीं है तो वो कलेक्ट होते गए सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ऐसा शेप ले लेते हैं एकदम पत्थर जैसा जो है वो एक्चुअली शेप लेते हैं एंड टाइम टू टाइम इस चीज को ये लोग वॉमिट करके निकाल देते हैं एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस और यू कैन से परफ्यूम जो हमारा इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं परफ्यूम को आप देखते हो ना कि जो ये परफ्यूम है ये कितने देर तक स्टे करेगी एट आवर्स ट्वेल्व आवर्स एंड ऑल तो वो क्या टाइम मतलब कैसे है वो इसकी वजह से बेसिकली जो वॉमिट है एम्बरग्रेस है इसकी वजह से जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड दिस इज़ क्वाइट ऑफ़न बिंग यूज बाई दी वेरी टॉप ये जो परफ्यूम के ब्रांड होते हैं जैसे शनैल है तो ये सभी जो है ये इसको यूज़ करती हैं तो इसी वजह से इनका छोटा छोटा पार्ट भी जो बहुत है बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकता है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में ये सारे मिलते हैं तो ये नहीं ब्रांड की बात नहीं कर रही मैं वॉमिट की बात कर करी वो चीज तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओके सो दिस इज द ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेल्स तो स्पॉम वेल्स प्रोटेक्टेड लिखा है क्योंकि प्रोटेक्ट करना है अदरवाइज इनके नंबर ये जो है सारे गायब हो जाएंगे तो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम से हमको ये जो है वो मिलती है दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रे एम्बर बिकॉज ऑफ द कलर एंड ऑल

उसी के जैसा जो है ये केमिकल जो है वो आपको इसमें एम्बरग्रिस में देखने के लिए मिलती है जस्ट जस्टोमिन थोड़ा सा हैंग हो गया मेरे ख्याल से ओके दिस इज क्वाइट हाई इन डिमांड इसका अच्छा खासा डिमांड होता है एंड ये काफी ज्यादा रेयर भी होती है जिसकी वजह से इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है ओके दैट इज वाई यू सॉ इन द टाइटल इट्स क्रोर्स करोर देखने के लिए मिला करोड़ इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी ज्यादा डिमांड रहती है एंड इट इज क्वाइट रेयर आल्सो ऐसा नहीं है कि उसने खाना खाया एंड उसके बाद तुरंत उसने वॉमिट भी कर दिया जो भी चीजें थी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं है काफ़ी एक्चुअली तुरंत नहीं होता एंड विद इन अ वीक नहीं होता विद इन फ्यू वीक्स भी नहीं होता इट टेक्स अ अलॉट ऑफ योर ठीक है इट इज़ बीग यूज इन द परफ्यूम्स बिकॉज ऑफ इट्स मस्की नोट्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट इट इट फ्लेवर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है एंड अल्कोहलिको ऑल्सो हिस्टोरिकली इसका यूज होते आया है ओके तो इसका जो अच्छा खासा पजेशन एंड ट्रेड ऑफ एम्बरग्रीस इसकी जो ट्रेड है एंड इसको करना रखना It has been banned basically in the countries like that of the USA, Australia and India. अब भाई इसको एक vomit को ban करने की क्या मतलब बनती है वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा rare है high इन डिमांड है अच्छा खासा price मिल रहा है so people might be killing these sperm whales. ठीक है तो इनको मार देंगे करके तो इस वजह से जो है उस पैसे के लिए तो इससे अच्छा है कि नहीं चाहिए हम बैन कर देंगे ओके सो दिस इज़ वाई Uh, इनको पजस करना जो है या फिर ट्रेड के पर्पज से इसको रखना जो है इट हैज बिन बैंड ध्यान में रखिएगा इन इंडिया ऑल्सो कॉम वेल लार्जेस्ट टूथ वेल विद वाइड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे डार्क ब्लू ग्रे और ब्राउनिश कलर के होते हैं विद दी वाइट पैचेस वाइट पैचेस कहां पे मिलेंगी ऑन द बेली

ओके प्रोटेक्टेड सो इट मीनस दैट ये वर्नरेबल होंगी मतलब कोई कुछ तो खास होगा कुछ तो कैटेगरी इसका खास ही वाला होगा तो वर्लरेबल है किसके अकॉर्डिंग है IUCNK के okay? के अकॉर्डिंग ओके एंड साइट्स ये अपेंडिक्स अपन में है दीज आर इंपॉर्टेंट राइट साइट्स अपेंडिक्स वन एंड शेड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवन इंडिया प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवन इंडिया के ये शेड्यूल टू में आते हैं साइट्स के अपेंडिक्स वन में आते हैं आई के लिस्ट में ये क्या है वलनरेबल है ओके सो दिस वाज अबाउट द स्पर्म विल ठीक है नेक्स्ट आता है नेशनल चंबल सेंचुरी एंड दैट ऑफ द चंबल रिवर ठीक है तो ये है यहाँ पे चंबल uh, रिवर में डॉल्फिन uh, सेंचुरी बनाने का है ओके सो so, हमको जो है अब दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी दूसरे देश में दूसरी जगहों पे, तो चंबल रीजन में जो है आपको ये मिल जाएगा ठीक है तो ये नेशनल चं, चंबल सेंचुरी है ठीक है तो चंबल सेंचुरी तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है चंबल रिवर के नाम पे है चंबल घाटी डाकुओं की घाटी थी है ना तो ये बेसिकली जो है ये चंबल रिवर यहाँ से होकर के गुजरती है अब यहाँ पे देख सकते हो इसके पास से ही जो है यमुना नदी भी होकर के जा रही है ओके okay. तो यहां पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया चंबल जो नाम है बेसिकली वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई राइट right. तो नेशनल चंबल सैंक्चुरी जो है वो कहां पे मतलब चंबल रिवर पे के इधर जो है ये सेटअप है वहीं पे ही मतलब है ये एरिया एंड डॉल्फिन सेंचुरी जो है इसमें इसका जो कुछ पार्ट है वो बेसिकली डॉल्फिन सेंचुरी के तौर तो, पे जो है इसको प्रपोज किया गया है कि इसको डेवलप किया जाए उसके हिसाब से राइट द सेंचुरी फोकस इज ऑन प्रोटेक्टिंग क्रिटिकली इन स्पीशीज ओके तो इसका फोकस कौन सा एरिया हो गया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चंबल रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है अब यहां पे ये जो सैंकुरी है यहां पे एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि घड़ियाल रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड डॉल्फिन ठीक है तो इन सभी के लिए ये प्रोटेक्टेड इट इज क्रिटिक प्रोटेक्टिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब ये तीन एंडेंजर्ड स्पीशीज है इनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमको प्रोटेक्ट करना है मतलब वहां पे ये मिल रही हैं ओके नेक्स्ट इज द नेशनल चंबल सैंकुरी का पूरा स्पेसिफिक एरिया तो ये इसका जो लोकेशन है वो ट्राई जंक्शन है ट्राई जंक्शन जैसे कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों के ही एरिया में ये पड़ता है 5400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है 425 सौ पच्चीस अलॉन्ग और फोर किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द चंबल रिवर एंड द रेवेंस उसका जो ट्रिब्यूटरीज उसके आसपास का इतना लंबा एरिया जो है ये कवर कर लेती है दिस पर्टिकुलर सेंचुरी ओके प्राइमरी फोकस एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उसको प्रोटेक्ट करने की बात है यहां पर यू विल फाइंड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दल्स कहा लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी ओके okay. इसको इंपॉर्टेंट बेसिकली डिक्लेयर किया गया है फॉर दी बर्ड ओके आईबीए के अंदर टोपोग्राफी क्या है रेविन हिल्स एंड सैंडी बीचेस है रिवर्स भी हैं हिल्स भी हैं एंड सैंडी बीचेस भी जो हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी वेजिटेशन कैसी है यहाँ की पार्ट ऑफ कटियार गिर ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट ठीक है तो यहाँ पे क्या है ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट रीजन है ये फोना में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है मगर क्रोकोडाइल स्मूथ कोटेड ऑटर्स स्ट्रिप्ट इंडियन वुल्स एंड वेरियस टर्टल स्पीशीज एज वेल ये सारे जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं मैमल्स मैमल्स इंक्लूड सांबर डीर डियर सांबर डियर नील गाय नील गाय नील तो दिखती नहीं है लेकिन नील गाय है ओके इंडियन गज़ल, रेजस मांकी हनुमान लंगूर इंडियन ग्रे एंड स्मॉल एशियन मंगूज इंडियन ग्रे एंड स्माल स्मॉल एशियन मंगूज बंगाल फॉक्स राइट तो ये सारे टाइप के जो मैमल्स हैं ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है ओके okay? फोना में आपको ये सारे जो है एनिमल्स देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे ओके राइट सो दिस वाज रिलेटेड टू दी चंबल घाटी राइट अब ये जो चंबल रिवर है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें ओके चंबल रिवर चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर अभी हमने देखा ठीक है यमुना रिवर इधर से आ रही है राइट right? चंबल रिवर इधर से जा रही है एंड देन इट ज्वाइंस लेटर ऑन जो है ये जा करके ज्वाइन कर लेती है एंड इट इज नोन फॉर द इंडिया मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर दैट इज द चंबल विच गोज एंड मीट टू दन ऑफ द मोस्ट पल्यूटेड रिवर इन इंडिया यमुना ओके ओरिजिनेट कहाँ से होती है सिंगर चौड़ी पीक से कहाँ पे है ये विंध्या माउंटेन रेंजेस जो है वहां से होती है ओके okay. बाउंडेड इसका पूरा स्पेसिफिकली एरिया बता रहा है सो इट इज बाउंडेड बाई द विंध्यन माउंटेन रेंजेस ऑन द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट तो साउथ में है ईस्ट में है और वेस्ट में है तीनों ही डायरेक्शन में यू कैन फाइंड दी दिस विंध्या माउंटेन रेंजेस एंड नॉर्थ वेस्ट में जो बच गया रीजन नॉर्थ वेस्ट रीजन यहाँ पे आपको अरावलीज देखने के लिए मिलेंगे ओके okay? विंध्या एंड अरावली ठीक है, विंध्या एंड अरावली अपर कैचमेंट इंक्लूड्स इनक्लूड्स द्लाट्यू इन राजस्थान अपर कैचमेंट एरिया अपर कैचमेंट जहां से अपर एरिया से जहां से ये होकर आ रही है वो वाली साउथ ईस्ट ऑफ द मेवाड़ प्लेन्स ट्रिब्यूट्रीज इसकी कौन सी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बानस काली सिंध सिपरा पार्वती ओके तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गई आई एम रिपीटिंग अगेन दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट बानस सिपरा एंड दी पर्वत ठीक है ये जो पार्वती सॉरी ये जो है चारों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हो गई डैम्स इसके ऊपर कौन कौन सी हैं गांधी सागर डैम राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहर सागर डैम ओके तो यूपीएससी जो है वो रिवर्स के ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवर्स ठीक है ड्रेनेज बेसिन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है तो चंबल रिवर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने आपसे सारी की सारी जो है वो डिस्कस कर ली है ओके नेक्स्ट कम्स द पीलीभीत ठीक है नेक्स्ट कम्स द पीलीभीत आफ्टर वाइल्ड लाइफ ब्यूरो इशूज रेड अलर्ट अगेंस्ट पोचर्स पीलीभीत टाइगर रिजर्व इंटेंसिव सर्च ठीक है तो यहां पर जो है पोचर से रिलेटेड पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो है सर्च बेसिकली स्टार्ट किया गया है ओके okay. टाइगर रिजर्व हैज इंप्लीमेंटेड इमीडिएट इमीडिएट मेजर्स मेजर्स किस चीज के लिए क्योंकि रेड अलर्ट इश्यू किया गया है पोचर्स जो हैं वो टाइगर्स को किल कर सकते हैं ठीक है तो इस पर्सपेक्टिव से पीलीभीत आप सभी को पता ही होगा किस लिए फेमस है विच पॉलिटिशियन लेटमी नो कॉमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पॉलिटिशियन कम्स फ्रॉम दिस जिनकी वजह से काफी फेमस है पीलीभीत स्टार्टिंग काफी ज्यादा न्यूज में आया था सो so, जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टाइगर रिजर्व है सो हियर यू कैन सी दिस इज दी पीलीभीत एंड हीयर यू कैन सी दी दुधवा नेशनल पार्क ठीक है नियर बाई दैट ऑफ द लखनऊ ठीक है तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है लखीमपुर खेरी जो है पीलीभीत वहाँ पे इट इज सिचुएटेड इन पीलीभीत लखीमपुर खेरी एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट दो बहरे एक बहराइच डिस्ट्रिक्ट है 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 लखीमपुर खेरी उसके पास ये पीलीभीत आता है, एरिया ठीक तो इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है आप यहाँ पे इसको क्लियरली देख सकते हो राइट सो इट इज नियर बाई द इंडिया नेपाल बॉर्डर इसको टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था सेप्टेम्बर टू थाउजेंड में इसको डिक्लेयर किया गया था ड्रेनेज कौन सी है गोमती रिवर लखनऊ के पास तो गोमती रिवर ऑब्वियस बात है एंड इसके अपर कैचमेंट एरिया में शारदा चूका एंड माला खनौट रिवर्स जो है ये छोटी मोटी रिवर्स जो है दैट ज्वाइंट मतलब ये भी रिवर्स वहां पे होकर के गुजरती हैं इसके नोटेबल फीचर्स कौन से हैं शारदा सागर डैम ठीक है हैबिटेट कौन सी है साल फॉरेस्ट यहाँ पर आपको ये जो है साल फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा टॉल ग्रासलैंड है यहाँ पे स्वाम्स ऑल्सो यू कैन फाइंड इट ओवर हियर वेजिटेशन कैसा है यहाँ पे तो मोस्टली मॉइस्ट मोस्टलीस टाइप यू कैन फाइंड इट नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेडियस टाइप ऑफ दी देशन यू कैन फाइंड इट फ्लोरा फ्लोरा डेंस साल विथ वुडलैंडल रीजनरेशन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ द रिजर्व द फॉरेस्ट एरिया इंटर स्पर्स विद ग्रास मेटर्स ऑफ द वेरियस स्पीशीज इसका ऐसा एरिया है कि इसमें बहुत सारे टाइप के आपको स्पीशीज देखने के लिए मिलेंगी एंड इसमें जो है साल वुडलैंड सेवेंटी सिक्स परसेंट एरिया जो है यहाँ पे कवर कर रही हैं ओके फोना द रिजर्व इज होम टू डाइवर्स वाइल्ड लाइफ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ आपको देखने के लिए मिलेंगी जिसमें कि इनडेंजर स्पीशीज हैं जैसे कि टाइगर्स हो गया स्वम्प डियर है स्वम्प एरिया भी हमने देखा तो स्वम्प डियर है बेंगोल फ्लोरिकन यू कैन सी ओवर हियर 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 डियर यू यू कैन कैन सी 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 ओवर ओवर एंड द लेपर्ड्स ऑल राइट मतलब आपको ये सारे के सारे जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे ओके फाइन सो दिस वॉज इट रिलेटेड टू वीकली एनवायरमेंट टॉपिक आई होप यू पीपल लाइक डिट इंजॉय आप ही लोग का डिमांड था मैंने किया अब जो है इसको देख के भी देख भी लीजिए शेयर भी कर दीजिए है ना चलो सो सी इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम